एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. ये एंगल 1 और 2 सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री है. इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर एंगल 1 को घटाया जाए, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2, तो एंगल 2 में क्या चेंज आएंगे, सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. लेकिन दोनों एंगल्स का सम 180 ही रहना चाहिए अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं. तो इस एंगल 1 को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो एंगल 2 इंक्रीज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एंगल 1 को, इस आर्म को यहाँ से इधर लेकर आए, तो एंगल 2 भी इंक्रीज हो जाएगा. इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर. जितना एंगल 1 को हमने जितने डिग्री डिक्रीज किया है, पहले ये यहाँ था, जितना हमने डिक्रीज किया तो उतना ही एंगल 2 इंक्रीज हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट. सप्लीमेंट्री आपको पता ही है, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो. तो क्या दोनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं जिनका सम 180 हो? तो हमारा आंसर होगा नो. एक्यूट का मतलब जो एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में, जैसे हमने एग्जांपल के लिए टू एंगल्स ले लिए, 80 डिग्री एंड 70 डिग्री, दोनों ही एक्यूट एंगल हैं, दोनों का सम हो गया 150 डिग्री, और 150 डिग्री 180 के इक्वल नहीं है. नंबर 2, क्या ये हो सकता है कि सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हो? नो. ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो 90 और 180 डिग्री के बिटवीन में हो. तो 90 से ग्रेटर दो एंगल ले लेंगे, 95 एंड 115 डिग्री, दोनों का सम हो गया 210, जो कि 180 के इक्वल नहीं है. तो हमारा आंसर होगा नो. नंबर 3, राइट एंगल, क्या दोनों एंगल राइट एंगल हो सकते हैं और वो सप्लीमेंट्री एंगल हो? यस. राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री के वो हो सकते हैं क्या? तो हमने फर्स्ट एंगल भी 90 लिया, दूसरा भी राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री लिया, दोनों का सम हो गया 108. तो दोनों एंगल राइट एंगल हो सकते हैं. यस.